नमस्कार दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए नए नए कदम उठा रही है, क्योंकि आपको तो ये पता ही होगा कि आगे जाकर फ्यूचर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ही है। टू व्हीलर्स स्कूटी हो या फिर फोर व्हीलर्स कार्स हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर तेजी से काम चल रहा है। टाटा जैसी भारतीय कंपनी इस पर फोकस कर रही है। ट्रांसपोर्टेशन के मामले में भी बिजली से चलने वाली बसें आनी शुरू हो गई हैं। अब जब रोड पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बोलबाला हो जाएगा तो इन्हें चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन की भी जरूरत पड़ेगी। तो इन सब के बीच इंडियन रेलवेज भी क्यों पीछे रहे? इंडियन रेलवेज ने ट्रांसपोर्टेशन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और इंडियन गवर्नमेंट के ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी के अभियान में अपना योगदान करना शुरू कर दिया है, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे। ये पहला रेलवे का प्रोजेक्ट है जो हैदराबाद रेलवे स्टेशन से शुरू होने जा रहा है। अब हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चार्जिंग के लिए चार्जिंग फैसिलिटी सुविधा दी जाएगी। हैदराबाद इंडिया का ऐसा पहला रेलवे स्टेशन हो जाएगा जहां पर यह सुविधा दी जाएगी। साउथ सेंट्रल रेलवे के द्वारा जारी एक बयान के अनुसार मोदी गवर्नमेंट ने 2030 तक सभी मेन शहरों में कार्बन एमिशन को कम करने का टारगेट रखा हुआ है। इसी को आगे बढ़ाते हुए इंडियन रेलवेज ने सिकंदराबाद डिवीजन के अंतर्गत आने वाले 32 मेन रेलवे स्टेशन में इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। अगर आपको जानना है कि ये 32 स्टेशन कौन से हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। मैंने वहां पर 32 रेलवे स्टेशनों के नाम डाल दिए हैं और आप देख सकते हैं कि कहीं आपके शहर में पड़ने वाला रेलवे स्टेशन का नाम भी तो नहीं है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने कहा है कि हम क्षेत्रीय पर्यावरण को बचाने के लिए हमेशा सबसे आगे रहते हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसा इनिशिएटिव और रेलवे जोन को भी लेना चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। नेशनल ट्रांसपोर्टर के अनुसार ई मोबिलिटी पर्यावरण को सही रखने में एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा। लोगों को अगर चार्जिंग सुविधा आसानी से मिल जाए और घर से निकलते समय बैटरी खत्म होने की टेंशन ना हो, तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री आप ही आप बढ़ेगी, क्योंकि इन गाड़ियों से ना तो पॉल्यूशन होता है और इनका मेंटेनेंस भी कम होता है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने कहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की लगातार बढ़ती हुई तादाद से इनकी चार्जिंग स्टेशन की मांग बढ़ रही है। इसी को देखते हुए इंडियन रेलवे अपने यात्रियों की सहूलियत के लिए और सुविधाओं के लिए ये चार्जिंग स्टेशन लगाने जा रहे हैं। इससे रेल यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। साउथ सेंट्रल रेलवेज ने कहा है, इससे न केवल हम पर्यावरण को सुरक्षित रखने में आगे की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, बल्कि इससे इंडियन रेलवेज को अतिरिक्त कमाई भी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।